हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सुमित और आज की स्टूडियो पर बात करने वाले हैं ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ वीआईटी, यानी कि आपका सीजीपीए बनता कैसे है। आज की वीडियो में अपन वो जानेंगे। सो वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस मुझे चाहिए आपका थोड़ा सा अटेंशन, बाकी सब मुझ पर छोड़। सो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। तो सीजीपीए का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी ये फुल फॉर्म है, राइट। सो अब सीजीपीए जो होता है आपका, जैसे ही आप अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपका सीजीपीए बन जाता है, राइट। ऐसे ही अपना सेकंड ईयर भी कंप्लीट करोगे तो भी सीजीपीए बनेगा, वो सेकंड ईयर का होगा। ऐसे ही थर्ड ईयर कंप्लीट करोगे, थर्ड ईयर का सीजीपीए बनेगा। फोर्थ ईयर करोगे, फोर्थ ईयर का बनेगा। सो एक ग्राफ टाइप का बन जाता है, राइट। सो अभी बात कर लेते हैं कि सीजीपीए बनता कैसे है। सो सीजीपीए बनता है आपके एसजीपीए से। सो ये एसजीपीए क्या होता है? एसजीपीए होता है सेमेस्टर जीपीए। अब देखो, नॉर्मली फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर होते हैं, राइट। अब दो सेमेस्टर हो गए, सो उनके अपने अलग अलग एसजीपीए होंगे, राइट। अब दो सेमेस्टर के दो एसजीपीए, अब इन दोनों एसजीपीए को मिला दो तो बनता है सीजीपीए। इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब बात कर लेते हैं कि साला ये एसजीपीए कैसे बनता है, राइट। सो एसजीपीए की बात करें, सो एसजीपीए बनता है तीन चीज़ों से, मिड टर्म एग्ज़ाम, टर्म एंड एग्ज़ाम और इंटरनल। सो मिड टर्म एग्ज़ाम, टर्म एंड एग्ज़ाम, ये तो एग्ज़ाम है, सबको नाम से ही समझ में आ रहा है। अब इंटरनल क्या चीज़ है, आते हैं थोड़ी देर से आते हैं। पहले बात करते हैं वेटेज। वेटेज क्या होता है? वेटेज मतलब आपका एसजीपीए बनाने में इन तीनों की क्या भागीदारी है, कितने कितने परसेंट की भागीदारी है, इसको बोलते हैं वेटेज, राइट। सो मिड टर्म का वेटेज होता है 30%, टर्म एंड का वेटेज होता है 30%, इंटरनल का वेटेज होता है 40%, राइट। सो इन तीनों को मिला दो तो हो जाता है 100%, और इस तरीके से बनता है आपका एसजीपीए, राइट। अब थोड़ी बात कर लेते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम और टर्म एंड एग्ज़ाम की। खैर आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मिड टर्म एग्ज़ाम जो होता है वो होता है 1.5 आवर्स का, यानी आपके हर सब्जेक्ट के लिए आपको 1.5 आवर्स मिलते हैं लिखने को एग्ज़ाम में, राइट। और दूसरी बात मिड टर्म एग्ज़ाम की, ये कि ये जो होता है आपके सेमेस्टर के मिड में होता है, इसलिए उसका नाम मिड टर्म है। और इसमें सेमेस्टर का आधा सिलेबस आता है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट का आधा सिलेबस आता है। अब बात करते हैं टर्म एंड एग्ज़ाम की। सो ये होता है 3 आवर्स का, और इसमें आपको जो होता है पूरा सिलेबस आता है, जो भी सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया है पूरा सिलेबस आता है। दूसरी चीज़, ये सेमेस्टर के एंड में होता है, इसलिए इसका नाम टर्म एंड है, राइट। सो ये हो गया एग्ज़ाम्स का। अब बात कर लेते हैं अपने इंटरनल्स की। सो इंटरनल्स देखो आपका वेरी करता है, वेरी करता है मतलब ये कोर्स के हिसाब से कम ज़्यादा होता है। जैसे अपन कई टाइप्स के कोर्स होते हैं, जैसे समझो, जैसे कुछ कोर्स होते हैं LT कोर्स, कुछ कोर्स होते हैं LTP कोर्स, कुछ कोर्स होते हैं LTM कोर्स, राइट। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोर्स होते हैं। सो इन अलग अलग टाइप्स के कोर्स के हिसाब से आपका जो इंटरनल्स होता है वो वेरी करता है। LTP मतलब लेक्चर ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे LTP कोर्स है, सो उसमें इंटरनल ज़्यादा हो सकते हैं, है ना, उसमें इंटरनल के मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं, राइट। और जैसे होगा कोई LT कोर्स, LT कोर्स में P नहीं है, यानी प्रोजेक्ट नहीं है, सो वो छोटा होगा, ठीक है। अब वो छोटा होगा सो हो सकता है उसके इंटरनल भी कम हो, हो सकता है उसमें मार्क्स भी अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। सो ये सब चीज़ वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनल में होता क्या क्या है। ओवरऑल इंटरनल में होता है असाइनमेंट, असेसमेंट, ग्रुप एक्टिविटी, क्विज, लैब, वाइवा, अटेंडेंस, और कुछ छूट रहा है क्या, देख लेता हूँ, नहीं और छूट रहा होगा तो, वैसे नॉर्मली इतनी चीज़ होती है, और अटेंडेंस तो मैंने आपको बता दिया। सो ओवरऑल ये सब में नहीं होता, लेकिन नॉर्मली इतनी, जैसे लैब उसी में होगा जिसमें लैब का चीज़ होगा, जैसे फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें लैब होता है, राइट। सो सब में लैब नहीं होता, राइट। सो ये सब मैंने आपको बताया। सो इंटरनल में इतनी चीज़ें आती हैं। अब ये असाइनमेंट वगैरह के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो फिर से समझा देता हूँ एक क्विक तरीके से। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट आपको एक वर्क दिया जाता है, उसको आपको करके सबमिट करना होता है एक फिक्स टाइम पे। असेसमेंट भी सेम वैसे ही होता है। क्विज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको टिक करना होता है, राइट। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, क्लास में आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें आपको कुछ एक्टिविटी दी जाती है, उसको करना होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं लैब की। सो लैब आपको, जैसे जिसमें लैब होगा उसमें आपको वीक में एक दिन लैब ले जाया जाता है, एक दिन दो दिन लैब ले जाया जाता है, चलो हटाओ, लैब ले जाया जाता है, और उसमें आपको लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, और फिर एंड में उसका एग्ज़ाम होता है। वाइवा तो सबको पता है, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। अब इसके मार्क्स अगर मैं आपको बताऊं, सो मार्क्स इसके वेरी करते हैं, मार्क्स मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप खुद ही नोटिस करोगे कि किसी सब्जेक्ट में आपको क्विज़ के 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो
किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपको क्विज़ के 10 मार्क्स मिल रहे होंगे, राइट। सो ये वेरी करता है, सो इसलिए मैं इसको बताना प्रेफर नहीं करता, लेकिन क्विज़ 5-10 मार्क्स के ही होते हैं, ये मैक्सिमम 5-10 ऐसे ही होते हैं। अब अटेंडेंस की बात करूँ, सो अटेंडेंस फिक्स होता है, अटेंडेंस के आपको 5 मार्क्स ही मिलते हैं अगर आप अपनी अटेंडेंस 95-100 के बीच में रखते हो, मतलब 95% से 100% के बीच में अगर आप अपनी अटेंडेंस रखते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप अपनी अटेंडेंस 90-95 रखते हो तब आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप अपनी अटेंडेंस 85-90 रखते हो तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और ऐसे ही घटते जाता है। और 75 एक मिनिमम आपकी अटेंडेंस होती है, उससे कम अगर आपने अपनी अटेंडेंस रख ली तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है, राइट। अटेंडेंस क्लियर हो गया। अब ये सब जो मैंने आपको बताया, मिड टर्म एग्ज़ाम, टर्म एंड इंटरनल, ये सभी सब्जेक्ट में होता है, राइट। जैसे आपको फर्स्ट ईयर में मिले 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट में होगा ये, ठीक है। तो इतना तो खैर पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ। उसके बाद ये एक्सटर्नल नॉइज़ अवॉइड करना, ठीक है, गाड़ी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ एक प्रो टिप की, जो कि मेन है, वो है बिहेवियर। सो देखो, बिहेवियर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बिहेवियर कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपनी क्लास में अपने फैकल्टी के सामने अच्छा बिहेवियर बना के रखते हो, है ना, अपने असेसमेंट असाइनमेंट को टाइम पे करते हो, क्विज वगैरह अच्छे से देते हो, क्लास में अटेंटिव रहते हो, है ना, टीचर से अच्छे से बिहेव करते हो, सो टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन जम जाता है, राइट। सो उससे आपको टीचर इंटरनल में अच्छे नंबर्स देता है। देखो, इंटरनल आपके पूरे टीचर पर डिपेंड करते हैं, राइट, मतलब डिपेंड तो आप पे करता है, लेकिन देने वाला हाथ तो उन्हीं का है, है ना। सो अगर आप उनके सामने अच्छा इंप्रेशन बना के रखोगे सो आपको इंटरनल अच्छा मिलेगा, नहीं बना के रखोगे सो इंटरनल बिगड़ जाएगा। और आप अपने एग्ज़ाम में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, ये बात आप नोटिस कर लो, नोट कर लो कि आप अपने एग्ज़ाम में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, उसके आपको मिलने वाले हैं 60%, है ना, उसका वेटेज 60% है, बाकी 40% वेटेज तो इंटरनल से आ रहा है ना, सो इंटरनल को तो बनाना पड़ेगा ना। सो अपना बिहेवियर अच्छे से मेंटेन करना, राइट। ये क्लियर हो गया, ये प्रो टिप क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके ग्रेड्स। सो देखो, VIT में 7 टाइप्स के ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, एफ ग्रेड, एफ ग्रेड, और फिर लास्ट में एस ग्रेड। सो एस ग्रेड जिसको मैंने लास्ट में बोला, वो एक्चुअली में सबसे ऊपर आता है। असेंडिंग ऑर्डर में बात करूँ मैं, एस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और लास्ट में एफ ग्रेड। एफ ग्रेड मतलब फेल, राइट, एस ग्रेड मतलब सुपर। अब एस ग्रेड सबसे बड़ा ग्रेड होता है और एस ग्रेड क्लास में कुछ ही लोग को मिल रहा होता है, 2 या 3 लोग को, राइट। सो क्योंकि एस ग्रेड मान के चलो टॉपरों का ग्रेड है, उसमें केवल टॉपरों का हक है, ठीक है, वो क्लास के टॉपर्स को मिलता है। और ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड नॉर्मली सभी को मिल रहा होता है, और एफ यानी फेल होता है, याद रखना, ठीक है, एफ को ध्यान रख लो, एफ फेल होता है, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, कि आपका CGPA बनता कैसे। अरे भैया, यही तो बता रहा हूँ कि CGPA बनता कैसे। देखो, CGPA जो अभी मैंने आपको बताया, ये ओवरऑल है, ऊपर से, कि CGPA बनता कैसे। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिकली कि CGPA बनता कैसे। कभी आपका अगर ग्रेड्स आए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। सो देखो, CGPA मैथमेटिकली कैसे बनता है, इसको समझने के लिए 2 चीज़ समझो। पहला ग्रेड, ग्रेड मतलब ग्रेड वैल्यू, ठीक है, मतलब ग्रेड की वैल्यू क्या क्या है। दूसरी चीज़ समझो क्रेडिट्स, क्रेडिट्स क्या होते हैं। सो एक एक करके समझते हैं। ग्रेड वैल्यू, ग्रेड वैल्यू आपके ग्रेड्स की वैल्यू होती है। जैसे एस ग्रेड की वैल्यू होती है 10, ए ग्रेड की वैल्यू होती है 9, बी ग्रेड की वैल्यू होती है 8, और ऐसे घटाते जाओगे सो लास्ट में, देखो दिखाई देता हूँ यार, लास्ट में आपकी ई ग्रेड की वैल्यू होती है 5 और उसके बाद एफ यानी फेल। ये मैंने 3 बार बोल दिया शायद, है ना, एफ यानी फेल, चलो ठीक है। सो ऐसे करके आपकी वैल्यूज़ कम होते जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी, एस की, ये समझ में आया। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट्स की। सो क्रेडिट्स देखो, ऐसे समझो कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं। अब कोई सब्जेक्ट बड़ा है, फॉर एग्जांपल LTP कोर्स है, तो उसके 4 क्रेडिट होंगे। अब कोई सब्जेक्ट छोटा है, जैसे LT कोर्स हो गया या कोई छोटा कोर्स, तो उसका 2 क्रेडिट होंगे, या हो सकता है 3 हो, ठीक है। सो ऐसे क्रेडिट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं, ये समझ में आया। चलो, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब समझते हैं कि CGPA बनता कैसे है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप गए फर्स्ट सेम में आपको मिले 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के 4-4 क्रेडिट हैं, ठीक है। एग्जांपल कर लो, एज्यूम कर लो, हो सकता है आपको 5 सब्जेक्ट मिले, हो सकता है कि किसी क्रेडिट 3 हो, किसी सब्जेक्ट के क्रेडिट 2 हो, राइट। लेकिन फिर भी मान लो कि आपको 4 सब्जेक्ट मिले, चारों के 4-4 क्रेडिट हैं। अब आपने आपका सेमेस्टर बिगिन हुआ, सेमेस्टर एंड हो गया, बिगिन होके एंड हो गया, आपने उसमें मिड टर्म एग्ज़ाम दिया होगा, टर्म एंड एग्ज़ाम दिया होगा, आपके इंटरनल्स के नंबर आए होंगे, राइट। सो जब सेमेस्टर एंड हो जाता है, उसके बाद आपका एक रिज़ल्ट आता है, जो कि सेमेस्टर का रिज़ल्ट होता है।
उसमें आपको हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ ग्रेड्स मिलते हैं। मान लो आपको एक सब्जेक्ट में मिला एस ग्रेड, है ना, एक सब्जेक्ट में मिला ए ग्रेड, फिर से मान लो एक सब्जेक्ट में मिल गया एस ग्रेड, फिर मिल गया ए ग्रेड, ठीक है, एक दो में एस मिले, दो में ए मिले, बी नहीं दे रहा किसी को, ठीक है, दो में एस दे रहा हूँ, दो में ए दे रहा हूँ, राइट। सो मिल गया एस ग्रेड ए ग्रेड, अब आपका एस जी पी ए कैसे बनेगा, अभी एस जी पी ए समझेंगे ना, फिर एस जी पी ए से ना एस जी पी ए बनता था, स्टार्टिंग में बताया था, याद करो, ठीक है। सो अभी अपन एस जी पी ए बना रहे हैं। सो एस जी पी ए बनेगा, जैसे आपने एस ग्रेड लिया, एस ग्रेड की वैल्यू कितनी थी, एस ग्रेड की वैल्यू थी 10, सो हमने उसकी वैल्यू ले ली 10। उस सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना था, उस सब्जेक्ट का क्रेडिट था 4, सो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके क्रेडिट से, यानी कि 4 से। फिर उसमें ऐड किया अगला सब्जेक्ट, अगले सब्जेक्ट में कौन सा ग्रेड पाया, ए ग्रेड पाया, 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया उसके क्रेडिट से, कितना क्रेडिट था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस किया, अगला सब्जेक्ट लिया उसका क्रेडिट लिखा, मल्टीप्लाई किया उसके सब्जेक्ट्स के क्रेडिट से, फिर अगला सब्जेक्ट को लिया उसके मल्टीप्लाई से उसको क्रेडिट किया, सबको ले लिया, नीचे डिवाइड लगाया, कितने सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट थे, चारों के कितने कितने क्रेडिट थे, 4 क्रेडिट थे, सारे क्रेडिट्स को जोड़ा, नीचे उससे डिवाइड कर दिया, कितने क्रेडिट्स हुए, 16 क्रेडिट्स, डिवाइड कर दिया। ये पूरा मैथमेटिकली सॉल्व किया, मैथमेटिकली सॉल्व करने पे हमारा एस जी पी ए निकला 9.5 निकल गया। ये हमारा हो गया एक सेमेस्टर का एस जी पी ए, ये समझ में आया। ऐसे ही आप दूसरा सेमेस्टर दोगे उसका एक एस जी पी आएगा, मान लो दूसरा सेमेस्टर अच्छा नहीं गया उसमें आपको मिले 8.75 एस जी पी ए, क्लियर। अब आते हैं कि सी जी पी ए कैसे बनता है। सी जी पी ए बनता है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल लॉजिक, दोनों एस जी पी ए को जोड़ो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 2 एस जी पी ए थे, 3 होते 3 से डिवाइड करते, 4 होते जो कि इम्पॉसिबल है, 4 से डिवाइड करते, शायद पॉसिबल है ना, मुझे पता नहीं, वी आई टी है तो मुमकिन है। खैर अपन ने ये किया, जब अपन दोनों एस जी पी ए को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया, तब आपका सी जी पी ए निकला 9.12। अब ये जो लास्ट वाला डिजिट है 2, ये वेरी कर सकता है, ये 2 से 8 भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे आपका सेमेस्टर कोई 4 महीने का होगा, कोई 2 महीने का होगा, लेकिन जो शुरू के 2 अंक है 9.1 ये फिक्स रहेंगे, राइट। तो आपका सी जी पी ए क्या बना, 9.12, ये क्लियर हुआ। सो इस तरीके से आपका सी जी पी ए बनता है। होप आपको समझ में आया होगा कि सी जी पी ए कैसे बनता है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, भैया समझ में आ गया, तो मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी दिल को ठंडक मिलेगी कि हाँ मैंने समझा दिया, राइट। एक्सटर्नल नॉइज़ को अवॉइड करना बता दिया हूँ, घर पे हूँ, समझ सकते हो, है ना। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करता हूँ, ये थोड़ा टॉपिक से हट के लेकिन इंपॉर्टेंट है और जल्दी समझा दूँगा। देखो, आपको जब आप जाओगे अपने क्लास में, सेमेस्टर में, सो आपको मतलब रखना है अपनी क्लास से, आपको देखना है कि आपकी क्लास का कैसा परफॉर्मेंस है, है ना, आपकी क्लास का एवरेज कैसा जा रहा है। क्या बोल रहा हो भैया, देखो क्लास एवरेज क्या होता है। क्लास एवरेज एक ऐसा नंबर होता है जो जिसके 50% स्टूडेंट इधर, 50% स्टूडेंट इधर, मतलब यानी 50% स्टूडेंट उस नंबर से ज़्यादा नंबर ला रहे होंगे और 50% स्टूडेंट उस नंबर से कम नंबर लाएंगे। अब क्लास एवरेज कैसे आता है भैया, जैसे आप अपना मिड टर्म एग्ज़ाम दोगे ना, तो आपका एक क्लास एवरेज बनेगा, किसी भी सब्जेक्ट का क्लास एवरेज बनेगा, 50% स्टूडेंट उससे ज़्यादा नंबर लाएंगे, 50% स्टूडेंट उससे कम नंबर लाएंगे, राइट। सो क्लास एवरेज से अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हो तब तो आपको ए ग्रेड मिल जाएगा, फिक्स बात है, और ए ग्रेड बहुत अच्छा ग्रेड होता है, राइट। और अगर आप उससे बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ले आते हो, यानी टॉपर हो एकदम, है ना, एकदम लास्ट, आपके टक्कर का कोई है ही नहीं, तब आपको मिलेगा एस ग्रेड, ठीक है, आपको एस ग्रेड मिल रहा होगा, एस ग्रेड 2-3 लोग को ही मिलता है, पहले बता दूँ है ना। और अगर आप क्लास एवरेज से कम नंबर लाते हो तब आपको मिल रहा होगा बी ग्रेड, है ना, और अगर आप उससे भी कम ले आते हो तब आपको मिल रहा होगा एफ ग्रेड, ठीक है। अब आपका जैसे ही मिड टर्म एग्ज़ाम आए तो ये मत सोच लेना कि अरे मैं मिड टर्म में क्लास एवरेज से कम आ गया तो मैं तो गया, मेरा तो अब बी ग्रेड आ ही गया, ऐसा नहीं है। अभी आपका टर्म एंड पढ़ा है, अभी आपका इंटरनल पढ़ा है, ठीक है, तो ये सब चीज़ का टोटल हो के आपका फिर वेरी करेगा। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल अंदाज़ा लगाने के लिए कि आपका मिड टर्म अच्छा गया या नहीं गया, ये आप क्लास एवरेज से पता लगा सकते हो, राइट। अगर क्लास एवरेज में क्लास एवरेज से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपका मिड टर्म अच्छा गया, आपने ज़्यादा नंबर लाए, आपको ए ग्रेड तो आराम से मिल जाएगा, है ना। लेकिन आप कम ला रहे हो सो वहाँ आपको थोड़ा अटेंशन होने वाली बात है कि हाँ मुझे अब टर्म एंड में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और मुझे इंटरनल में भी अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, तब जाके मेरा ग्रेड अच्छा होगा, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी क्लास को चेक करो, अपनी क्लास को देखो कि क्लास में इंटेलिजेंट तो नहीं भरे हैं, अगर क्लास में अच्छे खासे पढ़ने वाले भरे हैं तो अपनी पढ़ाई को तेज करो, है ना, अपना ज़्यादा पढ़ो। लेकिन अगर कम पढ़ने वाले हैं तो दिक्कत की बात नहीं है, तब आप कम नंबर में भी एस ग्रेड ला सकते हो। लाइक अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल ले लो, एक जैसे आपकी क्लास में अच्छे पेल के बच्चे भरे हुए हैं, नहीं पेल के नहीं मानो, एक
छोटे बच्चे भरे हुए हैं ना, मतलब ज़्यादा नंबर नहीं लाते, तब आप वहाँ 75% भी ला रहे हो और आपकी क्लास का एवरेज गया 40, तो आपको वहाँ एस ग्रेड मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप किसी अच्छी मस्त क्लास में घुसे हो जहाँ एक से एक टैलेंटेड बच्चे हैं, वहाँ आप अगर आप 90% भी ला रहे हो और एवरेज ज़्यादा आ गया, 80 के करीब आ गया, तो आपको वहाँ एस ग्रेड नहीं मिलने वाला, राइट। सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि एवरेज वाली बात। अब ये थोड़ा ऑफ टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताओ, कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।